बारपेटा आसाम मतलब यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, 2700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर दूर है। वहां से हाँ यहाँ आए तो लग रहा था कि पहले कहाँ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, कैसा इंजेक्शन होगा, ये सब चीज है ये सर सवाल थे मन में। ऐसा। मतलब वीडियो देखने के बाद थोड़ा मतलब दिल अच्छा लगा कि नहीं सर के उधर जाने से मेरा प्रॉब्लम का सलूशन मिल तो सकता यहाँ है। आके आप सेटिस्फाइड हैं हाँ जी कि? सर मैं बहुत खुश हूँ इधर आके। ओके फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर सबूर अली, ये बोरपेटा आसाम से हैं, और जो फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आए थे आज से 20 दिन पहले, तो इनको सिविर बैक एक था, और बैक एक जो इनके पूरे के पूरे लेफ्ट लोअर लिम में, यानी कि लेफ्ट पैर में बटक से होता हुए नीचे तक रेडिकुलेट कर रहा था। पेन बहुत सिवियर था, 2.5 साल से परेशान थे, पैर में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, और इनको सिवियर कंप्रेशन ओवर द नर्व्स था, इवन कोडा इक्वेना कंप्रेशन था इनको, L4 L5 L5 S1 डिस्क प्रोलैप्स था, एंड ही वाज एडवाइस सर्जरी। इनको वहां पे सर्जरी एडवाइस कर दी गई थी, 15 मिनट से ज्यादा ये खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे, इनका मेहनत का काम है वो भी, सारा चीजें इनका अफेक्टेड हो रहा था। इनसे जानते हैं, हमने एक DSCP इंजेक्शन लगाया, उसके बाद क्या स्टेटस आज इनका है? हाँ जी सर बताइए, क्या क्या तकलीफ, क्या नाम है आपका, सबूर अली सर, मेरा कहाँ से नाम आप, बरबटा आसाम से। तकलीफ तो क्या तकलीफ हुई थी आपको पहले, क्या तकलीफ थी? पहले मतलब कमर में दर्द, खड़ा होने में भी दिक्कत आती थी सर। अभी तो जो पूरे पैर सुई, में दर्द रहता था, हाँ और ये तकलीफ कब तो से थी आपको? 3 साल जैसे हो तीन गया, साल तीन और साल पैर में कोई झंझनाहट, हाँ सुनपन, भारीपन, झंझन था, सनपन था। अभी तो चलने में दिक्कत रहती थी, हाँ पहले बहुत तकलीफ था, 10 मिनट भी चल नहीं और सकते थे। आप काफी जगह दिखा चुके थे पहले। हाँ काफी जगह मतलब मैं गया, वर्धमान भी गया, कुलबेर भी गया, बहुत बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में गया। सब सर्जरी के बारे में बोल सब ने रहा सर्जरी के लिए बोला। हूँ। ओके, और हमने आपको, आप फिर हमारे पास पटौदी में आए, गुड़गांव हाँ जी फिर में, तो आप क्या? लोग का यूट्यूब में वीडियो देखा, देखने के बाद मतलब फोन किया इस टाइप को, फिर इधर आया। आप लोग इधर आए हमने एक बार इंजेक्शन लगाया आपको, जी सर, एक बार लगे अभी कितना सुधार आपको नजर आ रहा है, और क्या क्या आपका चीज ठीक हो गया, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन अभी में? तो फिलहाल सुई लगने के बाद में चलने में बहुत आराम है। झंझन वो सब खत्म हो गया, थोड़ा हल्का सा पैर में, पंजे में थोड़ा सा दर्द, कमर में मतलब थोड़ा सा है कमर में बस, थोड़ा है, और पैर में और झंझनाहट, सुनपन, भारीपन सब खत्म हो गया, सिर्फ टखने के पास थोड़ा बचा है। जी सर तो ओवरऑल कितना सुधार आपको नजर आ रहा है, कि कितना परसेंट, मतलब 100 पहले में से से तो सर कितना, अभी 80 से 90% अच्छा 80 हो टू गया नाइनटी जी परसेंट आपको सारा सर। चीजें हैं, कमर में भी काफी है, पहले से कम हो कमर चुका में पहले काफी से मतलब अभी बहुत है, मतलब थोड़ा है, पहले जैसे नहीं से। तो अभी एक ही बार हमने आपको इंजेक्ट जी किया, सर। और अब एक्सरसाइज जो हमने बताई वो आप कर पा रहे जी हो? सर कर तो बोरपेटा आसाम मतलब यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, 2700 किलोमीटर किलोमीटर दूर है। वहां से यहाँ आए तो लग रहा था कि पहले कहाँ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, कैसा इंजेक्शन होगा, ये सब चीज है ये सर ऐसा। सवाल थे मन में। तो मैं मतलब वीडियो देखने के बाद थोड़ा मतलब फील अच्छा लगा कि नहीं सर के उधर जाने से मेरा प्रॉब्लम का सलूशन मिल तो सकता यहाँ है। आके आप सेटिस्फाइड हैं हाँ कि? जी सर मैं बहुत खुश हूँ इधर आके। ओके सो हम भी उम्मीद करते हैं कि बिना किसी ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनकी जो नर्व पे कंप्रेशन थी वो सिवर कंप्रेशन था ऑलरेडी, और 2.5 3 साल से पेशेंट परेशान थे, तो जो डिस्क होती है वो इस समय तक सेटल्ड हो जाती है। डिस्क इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उस समय नहीं कर रही थी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इफेक्ट्स, और नर्व कंप्रेशन की वजह से जो हम कहते हैं कीमो सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व, आपकी जो शियाटिक नर्व है पूरी की पूरी इरिटेट हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को चलने में दिक्कतें आएंगी, बैठने में दिक्कतें आएंगी, खड़े रहने में दिक्कतें आएंगी, अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज पेशेंट नहीं कर पाता है। तो सिर्फ एक DSCB इंजेक्शन से ही इनको 80 टू 90% रिलीफ इन पेन है, इनकी टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस खत्म हो चुकी है, सिर्फ थोड़ा बहुत कमर का दर्द, इनको टखने के पास में थोड़ी नमनेस बची हुई, जो हम आगे आने वाले इंजेक्शन से इनको ठीक करेंगे, इनकी एक्सरसाइजेस को और बढ़ाएंगे। जी इसमें इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि प्रिकॉशंस को भी फॉलो करें, इट्स ए प्रोटोकॉल ऑफ 12 वीक्स, 12 हफ्ते का हमारा प्रोटोकॉल है, अगर इसको पेशेंट फॉलो करता है और लेटर ऑन उसको ना किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी, ना किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक्सरसाइज करने मात्र से ही पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेगा, और अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल पूरे तरीके से लीड कर सकते हैं, क्योंकि इनको हैवी वर्क करना पड़ता है, तो ये आगे में चल के अपना हैवी वर्क भी कर पाएंगे, बशर्ते हम सारी मसल्स को पहले स्ट्रेंथनिंग कर दें। अब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इन पे वर्कआउट करेंगे, और इनको और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ हम लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, DSCB इंजेक्शन से जो पेशेंट 2.5 3 साल से परेशान था, हर जगह जहां जहां पे पेशेंट गया वहां पे सर्जरी इनको एडवाइस कर दी गई, एक इंजेक्शन के बाद से ही इनको 80 टू 90% रिलीफ इन इस सिम्टम्स आ चुका है। सो DSCB इंजेक्शन का यही मैजिक है कि DSCB इंजेक्शन के माध्यम से हम पहले पेशेंट की नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं,
साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजेक्शन लग गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, कैसे आपको क्या करना है ताकि आगे में आप एक एक्टिव लाइफ स्टाइल लीड कर सके। मेरे पुराने पेशेंट जो भी मुझसे फॉलोअप में आ रहे हैं, साल डेढ़ साल दो साल पुराने वाले, वो ये कहते हैं कि मुझे 1-2% अगर कुछ रहता भी है तो मैं एक्सरसाइज करके बिल्कुल फिट रहता हूँ। सो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप ना किसी दवाइयों पे हो बाद में, सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप बिल्कुल ठीक रहते हो। आपकी जो पैर की झंझनाहट, नस की जो सूजन थी जो कंप्रेशन की वजह से थी, वो खत्म हो चुकी है और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक सर्जरी से बच चुके हो, कमर की स्पाइन की सर्जरी से आप बच चुके हो। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को भी अगर इस प्रकार की समस्या है, उनको डिस्क की समस्या है, शाटिक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, कार्पल टनल सिंड्रोम, हेडेक्स, इवन वी आर गिविंग इट फॉर हेडेक, तो इन सारी समस्याओं के लिए डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और अगर जो हमने न्यू थेरेपी स्टार्ट करी है, ओजोन थेरेपी, अगर आपको, आपके जानने वाले किसी को भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर जाके देखिए किस तरीके से हम जो पहले कहते थे कि एक बार घुटने घिस गए तो उनका कार्टिलेज दोबारा से रिपेयर रिजनरेट नहीं हो सकता, प्रोलोजोन के माध्यम से, डेक्स्ट्रोजोजोन थेरेपी के माध्यम से किस तरीके से हमने ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस तक के घुटनों को एक्टिव लाइफस्टाइल दिया है, उनका पेन को खत्म किया है और वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, उनको रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अगर घुटनों की भी समस्या है, कंधे की भी समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, तो नीचे के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन भेज के आप फ्री ओपिनियन हमारे से ले सकते हैं और आगे में भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलती रहे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।